Wow. Yeah, these guys are na really brilliant. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भुक्खड। और आज हम लोग आए हैं सेक्टर 18 नोएडा में, और हम क्या करने आए हैं? लिट्टी चोखा खाने। यू आर ऑल्सो सरप्राइज ना कि हम जो है पंजाब से होके लिट्टी चोखा खाएंगे, बट सेक्टर 18 का लिट्टी चोखा इज बेस्ट लिट्टी चोखा। अगर आपने कभी फर्स्ट टाइम भी ट्राई करना है तो आई प्रेफर कि आप यहाँ का ट्राई करो, कहीं और का नहीं, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हूँ जिसको लिट्टी चोखा और दाल बाटी चूरमा जो भाई बहन से होते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज वो अच्छा खासा देसी घी डाल देते हैं और अंदर से जो आटा होता है, वो जो स्टफिंग होती है वो भी पकती नहीं है। लेकिन इनका लिट्टी चोखा, मैं प्राइस पे नहीं जाती कि प्राइस अच्छा बहुत अच्छा है इसलिए मैं खाती हूँ, बट इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। और मैं सीरियसली कई बार मैं और अंशुमन सिर्फ ये खाने के लिए इतनी दूर से आते भी। एक्चुअली में लिट्टी चोखा जो है बहुत अच्छा है एंड इसीलिए हम लोग कवर करने आए हैं। तो आओ चलते हैं, देखते हैं ये कैसा बनाते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहता है और क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और कितने से कितने कार्ट अवेलेबल है, सब डिटेल्स बताएँगे। सो गाइस, लेट्स गो एंड ट्राई देयर लिट्टी चोखा। बने रहिए वीडियो के एंड तक, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड इट वुड बी अ ग्रेट फन। चीयर्स। सो गाइज, दिस कार्ट इज अवेलेबल नियर बाय सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन नोएडा एंड ये यार सर्व करते हैं बहुत मस्त वाला लिट्टी चोखा, जो कि एक बिहार की बहुत फेमस डिश है। हाँ जी भैया, बिहार की डिश ही है ना? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नंदर। हाँ, नंदर। और आपका? राहुल। राहुल। तो भैया कितने से कितने होते हो आप? सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक। और कौन कौन सा लिट्टी चोखा होता है आपके पास? बस यही लिट्टी चोखा होता है और कुछ नहीं। देसी घी वाला? और देसी घी वाला और बटर वाला। बटर वाला भी होता है, ठीक है। सो गाइस, दीज गाइस आर यार रियली हार्ड वर्किंग एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके पास ऑलमोस्ट बहुत रश होता है हर टाइम पे, और अभी इनका सामान खत्म हो चुका है बिकॉज वी हैव केम टू देम अराउंड 10 o'clock इन द नाइट। सो अभी ऑलमोस्ट इनका खत्म होने वाला है सामान, बट दीज गाइस आर डूइंग अ अमेजिंग जॉब यार। भैया ये किस चीज़ के बनते हैं? ये भाई साहब वो होता है सत्तू होता है, आटा होता है और चने का सत्तू बोलते हैं इसे, ठीक है। और जो चोखा देते हो साथ में वो आलू और बैंगन का चोखा होता है। आलू और बैंगन का, ठीक है भैया। ये चोखे के लिए काट रहे हो? हाँ जी, ये चोखा के लिए काट रहे। भैया ये क्या क्या डाला आपने इसमें? इसमें भाई साहब चटनी है, ये रेड वाली चटनी होती है। हाँ? ग्रीन वाली, चले बड़ी, ये रेड वाली ग्रीन वाली, और ये होती है जो सत्तू की नहीं, सरसों की तेल होती है, सरसों की, ठीक है। तो गाइस हम थोड़ा ना यार लेट पहुंचे थे, सो इनके पास अभी चीज़ें दे आर अबाउट टू एंड इट, और रश इनके पास काफ़ी रहता है, सो दैट्स द रीज़न। ये सेक के इसको आप देसी घी में वो करते हो, देसी घी लगाते हो ऊपर। थैंक यू भैया। सो गाइस यार वहाँ पे ना रश बहुत हो गया था एंड टेबल्स वर प्रीटी ऑक्यूपाइड, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट टेकन दैट, और हम आ गए हैं अपनी गाड़ी की डिक्की खोल के, हम वहाँ पे रख के खा रहे हैं अब। सो आई थिंक लेट्स गो फॉर इट एंड ईशा विल गिव यू टुडेज रिव्यू दैट हाउ यू लाइक द लिट्टी चोखा। ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे कभी भी लिट्टी चोखा इतना पसंद नहीं आता था, लेकिन जब से मैंने इनका खाया पिछले 3-4 साल में मैं इन्हीं का खाती हूँ और किसी कहीं का भी नहीं खाती, क्योंकि मुझे लिट्टी चोखा और एक राजस्थानी डिश आती है दाल बाटी चूरमा टाइप जो भी इसी की बहन होती है वो भी मुझे नहीं पसंद है, लेकिन इनका लिट्टी चोखा बेस्ट है। आप कभी भी कोई भी ट्राई कर सकते हो। ये लगाया चोखा। और यार थोड़ा सब्सक्राइबर्स प्यार दे रहे हैं कि आप एडिटिंग अच्छी कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। तो ये पहले आपके लिए, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यार क्या कर रहे हो यार, प्यार देते रहो और थोड़ा सब्सक्राइब करो। सो लेट्स गो फॉर इट। Wow, yeah, these guys are not really brilliant. Actually, क्या है, we belong to a पंजाबी बैकग्राउंड, तो हमें ना ये लिट्टी चोखा दाल बाटी चूरमा या ऐसी चीज़ें ना ज़्यादा समझ नहीं आती। बट एक्चुअली में क्या है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो इन रीजन से बिलोंग करते हैं वो बोलते हैं कि आप ढंग की आपने खाई नहीं होगी, तो एक्चुअली ये बहुत ढंग की है और बहुत ज़बरदस्त है। बिकॉज देसी घी जब आप खा रहे हो ना आपको पता चल जाता है कि वो देसी घी है या कुछ नकली यूज़ कर रहे हैं, तो प्योर देसी घी यूज़ कर रहे हैं ये। एंड चोखा भी प्रॉपर स्पाइसी, आलूज वगैरह उसमें डले हुए हैं, प्रॉपरली जो बैंगन है वो मैश्ड है। सो इट वाज लुकिंग कम्प्लीटली फैबुलस यार, तो बहुत अच्छा था। एंड यार छोटा सा कार्ट है नियर बाय सेक्टर 18 एंड 30 रुपये का लिट्टी चोखा दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड आई थिंक यू गाइज शुड मस्ट कम, यू शुड मस्ट ट्राई। एंड बहुत टेस्टी है यार, रियली अमेजिंग। एंड हार्ड वर्किंग लड़के हैं, तो आई थिंक एवरीबडी शुड कम एंड सपोर्ट देम एंड गिव देम लॉट्स ऑफ लव व्हाट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। सो गाइज इसी के साथ आज का हम ब्लॉग एंड करते हैं। एंड प्लीज़ कीप ऑन सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, कीप ऑन शेयरिंग योर व्यूज़, कीप ऑन कमेंटिंग, कीप ऑन शेयरिंग, और देखते रहिए ऑल इंडिया भुक्खड़।